प्रणाम मित्रों, मैं हूं पीयूष मोहन और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल विशेष औषधि वाला। आज मैं आपके लिए कोई नई जानकारी लेकर आया हूं। देखिए, बात छोटी सी होती है लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको गौर नहीं करते। मैंने गौर की है इसलिए आपको जरूर बताने आया हूं, आपको भी उससे लाभ होगा। कहीं ना कहीं ऐसी जानकारी होती है छोटी छोटी जो आपको बहुत लाभ दे सकती है, और यदि आप उनको इग्नोर करते हैं तो आपको हानि कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, मैं छोटी सी बात बताऊंगा, वो है पर्स के बारे में। देखिए, आप जो पर्स रखते हैं ना, पर्स के बारे में एक जानकारी दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान ये रखना है कि वीडियो को आपको स्किप नहीं करना, आपको वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। आज का वीडियो पर्स के ऊपर है। मैंने बताया जैसे आपको पर्स के ऊपर है, तो पर्स में क्या खास है अब आप पूछ सकते हैं। पर्स में खास यह है कि आपको कभी भी पर्स अपने पीछे, यानी पीछे नहीं रखना है, आपको पर्स हमेशा आगे की पॉकेट में रखना है। पीछे नहीं रखकर आगे की पॉकेट में रखना है। उसका कारण मैं बता देता हूं। अधिकतर लोग पीछे पॉकेट में रखते हैं, आप भी रखते होंगे, आपको ध्यान नहीं क्यों नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। बहुत से हमारे मित्र ऐसे हैं जो अपने पर्स को पीछे पॉकेट में रखते ही रखते हैं, लेकिन आपको आज से उसको पीछे से निकाल के आगे रख लेना है। उसका कारण यह है कि देखिए, व्यापारी लोगों का पर्स एक तो ये होता है, और उसको अगर फोल्ड कर लें तो डबल हो जाता है मोटा, और होता कुछ नहीं, इसमें पैसे ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इसमें आपके पन्ने, कागज, किसी का हिसाब, ठीक, और इतने सारे तो इसमें क्रेडिट कार्ड्स वगैरह होते हैं, आपके इसमें पैन कार्ड वगैरह भी हैं, तो इससे काफ़ी मोटा हो जाता है पर्स, और मोटा होने से वो आपको दिक्कत देता है। क्या दिक्कत देता है, वही तो मेन चीज़ है बात सुनने की आपको। होता क्या है कि इतना मोटा जब ये हो गया, अब आप जब बैठेंगे, आप समझ लीजिए, आप कहीं बैठेंगे तो आप इस तरह से बैठेंगे, समझ गए आप ऐसे ना बैठ के ऐसे बैठेंगे, उससे क्या होता है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आपको चालू हो जाता है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्या होता है, आप यदि ठीक से नहीं बैठ रहे हैं, आपका पोस्चर ठीक नहीं है, तो आपको रीढ़ की हड्डी में दर्द आ जाएगा। हाँ जी, रीढ़ की हड्डी का मतलब आप ये समझ लीजिए, रीढ़ की हड्डी का दर्द का मतलब आपको स्लिप डिस्क यानी स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। L4, L5 और S1 की दिक्कतें अधिकतर लोगों में होती हैं, और वो आपको अच्छे खासे व्यक्ति को ऐसा कर देती है, यानी अच्छा खासा व्यक्ति सीधा चलता चलता टेढ़ा हो जाता है, उससे खड़ा ही नहीं हुआ जाता है। तो दोस्तों, आपने आज से ही पीछे से पर्स निकाल के आगे रख लेना है, जिससे कि आपको आगे से ये दिक्कतें नहीं हो। यदि हो रही हैं तो बिल्कुल ही आज ही निकाल लीजिए, नहीं हो रही तो भी आप पीछे से निकाल के अपने पर्स को आगे रख लीजिए, जिससे कि आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भविष्य में कभी भी नहीं हो। मैंने ये प्रॉब्लम फेस की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बहुत मुश्किल की समय से गुजरा हूँ, लेकिन अब मैंने उससे निजात पा ली है, मतलब वो प्रॉब्लम मेरी दूर हो गई है। वो अलग बात है, मैंने कैसे की, क्या की, मैंने उसके बारे में वीडियो बनाया हुआ, आप देखिएगा। मतलब ये है कि उसमें फिर फिजियोथेरेपी है, मालिश है, आराम करना है, आगे नहीं झुकना, पीछे की तरफ झुकना, ये सब चीज़ें होती हैं। काफ़ी डिटेल में मैं आपको और भी बताऊँगा नया वीडियो में। तो दोस्तों, आपको आज से फॉलो ये करना है कि आप अपना पर्स पीछे से निकाल के आगे रख लीजिए। मित्रों, कैसी लगी मेरी जानकारी, यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसको आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है या और भी किसी वीडियो से संबंधित कोई और जानकारी लेनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के भेजिए, जिससे कि मैं आपको उसकी जानकारी या तो टेलीफोनिकली या वहाँ पर लिख के दे सकूँ। तो दोस्तों, चलता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल विशेष औषधि वाला। प्रणाम मित्रों।